हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रमजान मुबारक महीने में उलेमा बोर्ड ने जरूरतमंदों को 70% डिस्काउंट पर राशन वितरण किया। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई 15 मार्च रमजान उल मुबारक का चांद दिखते ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुंबई अध्यक्ष आरिफ मेमन बापू के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी भिंडी बाजार वार्ड क्रमांक 221 के स्थानीय लोगों को 70% डिस्काउंट पर रमजान के पूरे महीने के लिए 2800 का राशन सिर्फ 800 रुपये में 250 परिवार वालों को दिया, जिसको लेकर भिंडी बाजार के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुंबई अध्यक्ष आरिफ मेमन बापू और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुंबई की पूरी टीम अब्दुल रहीम पटनी, जुलेखा रईस शेख, नसीम आपा, अंजुम आपा, अल्ताफ मंसूरी, असलम रेशमवाला का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे में हम मौजूद हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुंबई के सदर हैं। सर, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मेमन बापू बोलते हैं मेरे। तो मेमन बापू साहब, आप ये बताइए कि जो माहे रमजान का महीना है, वैसे तो आप उलेमा बोर्ड की तरफ से हमेशा आवाम की खिदमत करते रहते हैं और आवाम के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, इस रमजान में आप किस तरह की आवाम को खिदमत करेंगे? इस रमजान में क्या, हर पिछले साल के रमजान में भी, इस रमजान में भी जहां तक हम सोचते ज्यादा में ज्यादा खिदमत करेंगे कि खिदमत करने में एक खुशी जाहिर होती है। हम ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड वाले, हमारी पूरी टीम रोड के ऊपर पूरा रोड गाइड करता है। जो व्यापार जितने भी सौदा करने आते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी जात का कोई भी इंसान, बहुत भीड़ लगती है, पूरा महीना समझो 20 बजे से लेके 30 बजे पूरी गर्दी रहती है, उसको ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड पूरी तरह से गाइड करती है, हेल्प करती है। हमारे मॉनिटर रहते हर जगह पे, हर चीज के खड़े रहते हैं। देखिए माशाल्लाह, जो मोहम्मद अली रोड और मीनारा मस्जिद के आसपास जो दुकानें लगती हैं और बहुत आवाम की भीड़ आती है, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम उलेमा बोर्ड की तरफ से किया जाता है, और आप क्या कहना चाहेंगे उलेमा बोर्ड की तरफ से आवाम को, क्या पैगाम देना करके खरीदी करने निकलते हैं? पर नहीं, आप अपने पहले इबादत कीजिए। इबादत ही पूरे 11 महीने का सफर है, आप 1 महीने का सफर ऐसा करो और 11 महीने का सफर आपको बड़ी अच्छी तरह से आपको कामयाबी देगा। और मैं चाहता हूँ आप खरीदी करो, ईद बनाओ, रमजान के पूरे रोजे रखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके रोजे अल्लाह ताला कबूल करे, हर इंसान के कबूल करे। आज के दौर में ऐसा है कि इबादत बहुत नसीब से होती है। मैं चाहता हूँ हर इंसान इबादत करे और इबादत में फायदा उठावे। खरीदी करो कोई बात नहीं, पर इबादत ज्यादा करो। माह रमजान का महीना एक ऐसा रहता है जब एक ही एक नेकी की 70 नेकी लिखा जाती है, तो आज अपन को नुकसान नहीं करना है। अल्लाह चाहता हूँ हर चीज में फायदा सोचते, जैसा बिजनेस का सोचते जैसा वो चीज, आप इबादत के लिए फायदा सोचो। ये महीना इबादत पूरी तरह से करो और दुआ में हमारे को भी याद रखो, आमीन। इस रमजान शरीफ में उलेमा बोर्ड की तरफ से गरीबों के लिए किस तरह की मदद की गई है? देखिए ये रमजान थे, हम लोग 2021 से इंशाल्लाह ताला 2021 से हम लोग जो काम कर रहे हैं कि हम लोग गरीब को तो अल्लाह ताला देता लेता, मिडिल फैमिली को जो आज की तारीख के अंदर बॉम्बे शहर के अंदर बहुत मुश्किल से पगार पाने में चलता है, जिसको 25,000-20,000 पगार जैसी फैमिली रहती है, जैसा कोई किधर किधर रोड पर रास्ता लगा तो उसकी आमदनी कम रहती है। तो हम लोग ने एक स्कीम रखे थे 2021 से कि हम लोग 70% डिस्काउंट का राशन का सामान देते हैं। पिछले साल भी किए थे, उससे पिछले भी थे और ये साल भी किए थे। ये साल भी हम लोग 2700 रुपये का सामान 800 रुपये में दिए, जिसमें रमजान की सारी चीजें आपको मौजूद मिलेगी। उससे आदमी मिडिल फैमिली के आदमी बिंदास हमारे पास आता है कि हमारा हमारे को डिस्काउंट के अंदर एक कार्ड बना। हम लोग आधार कार्ड राशन कार्ड अपने इलाके वालों को देते हैं, 221 नंबर के वाले को देते हैं कि हमारी जितनी गुंजाइश है उतना हम लोग बांटते हैं। पर हर साल की तरह इस साल भी पब्लिक खुशी से आके लेके गई है। 240 कल बढ़ा था, परसों के दिन बढ़ा था, आज दो दिन में 70-80 हज़ार का, मतलब 340-330 तक अभी तक हम लोग ने कार्ड बांट सके, किट बांट सके। ले तो ये जो 2700 वाला जो सामान होता है आप 800 में देते हैं, इसको कौन कौन ले सकता है? मतलब जैसा कि इसको आम पब्लिक, कोई भी आम पब्लिक, इसमें कोई जकात का पैसा नहीं रहता है, इसमें कोई फितरे का पैसा नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको डिस्काउंट में बेचते हैं कि अगर हम फ्री में देंगे तो आदमी फैमिली इज्जत के खातिर आके लेता नहीं है, वो सोचता होगा कि जकात का या फितरे का या कोई भी चीज, इसलिए हमने 70% डिस्काउंट रखे ले। वो वजह से जैसे आप मॉल में जाते ना तो वहां पर 50% 20% डिस्काउंट, आदमी कितना अकड़ के खुशी से जाता है, इसी तरह हमारे पास आते हैं। पर हम भी उनको डिस्काउंट, क्या क्या सामान होते हैं इसमें? देखो हम लोग 5 किलो चावल रहता है,
पाँच किलो आटा रहता है, पाँच किलो शक्कर रहता है, दो दो किलो घी तैयार डाल लेती है, दो किलो अपना शाम बेसन का आटा रहता है, दो लीटर दो संडे टे रहता है, खजूर रहते हैं, इस शरबत का शीशा रहता है, सौ देता है, जितना भी सामान रमजान की जरूरत की है वो सारी चीज हम लोग देते हैं। अल्लाह ताला हमारे से करवा तो हम करते हैं। और हमारे उलमा बोर्ड की पूरी टीम, पूरे जितने हमारे उलमा बोर्ड को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह उसको अजर देवे और हमारी टीम को कामयाबी हिम्मत से आगे बढ़ाए कि पिछले साल भी इससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उलमा बोर्ड के सदर बापू साहब ने कितना बेहतरीन पैगाम दिया और माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उलमा बोर्ड से आपको कुछ सीखना चाहिए। अगर आप भी मजबूत हैं, आप भी किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं या आपकी भी कोई तंजीम है, तो उलमा बोर्ड की तरह आप भी अपने आसपास देखें और जो लोग परेशान हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है, ऐसे लोगों को खोजें और उन्हें भी इस तरह की मदद करें। तो दोस्तों बने रहिए मोहम्मद मुकीम शेख के साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उलमा बोर्ड का पैगाम गरीब से गरीब आदमी तक पहुंच सके।